दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी लॉन्ग टाइम के लिए कैसे याद कर सकते हैं। मैंने क्लास 7th में एक ऐसे याद किया था रिसाइकलिंग ऑफ पेपर पर, वो मुझे आज भी याद है। पेपर इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द ट्रीज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर हैज गॉन मैनिफोल्ड ओवर द ईयर, यूज्ड पेपर कैन बी रिसाइकल 5 to 7 टाइम्स, थस सेविंग द ट्री। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, इफ वी जस्ट सेव 1 or 2 शीट ऑफ पेपर एवरी डे, वी कैन सेव मेनी ट्रीज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। तो कैसे मुझे 7th क्लास का पढ़ा हुआ आंसर आज भी याद है, कुछ टिप्स दूंगा बेसिकली आपको, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों टिप नंबर 1, जब भी आप कुछ लर्न करना चाहते हो तो सबसे पहले उस कंटेंट को एक बार पूरा पढ़ लें और समझ लें। जब आप दोबारा उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड को आगे का कंटेंट पहले से पता होगा, तो आपका माइंड उस कंटेंट को कनेक्ट करता हुआ चलेगा जिससे आपको जल्दी याद होगा। इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी अननोन रास्ते पर जाते हैं तो वो रास्ता हमें काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन जब हम बार बार उस रास्ते पर जाते हैं तो वो रास्ता हमें छोटा लगने लगता है। तो ऐसे ही जब आप एक पूरा कंटेंट को पढ़ लेंगे तो वो जो कंटेंट होगा ना वो कनेक्ट हो जाएगा आपका माइंड में, और उसे समझ लेंगे तो उसके बाद जब आप शुरू से पढ़ने लगेंगे उसको पैराग्राफ वाइज तो वो आपको जल्दी याद होगा। नाउ दोस्तों टिप नंबर 2 सिर्फ एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए। जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपका मोटिव होता है एग्जाम्स में मार्क्स को गेन करना, तो उस टाइम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। ये पैरेटो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। पैरेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 80-20 रूल दिया था। उनका कहना था कि जो 80% रिजल्ट होते हैं वो हमारे सिर्फ 20% एफर्ट करने से आते हैं। तो अगर आप भी 20% ही सही से पढ़ लेते हैं तो 80% आपका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। मोस्टली टॉपर इसलिए ही टॉपर होते हैं क्योंकि वो एग्जाम्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ भी सही तरीके से याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए। टिप नंबर 3, अगर आप किसी आंसर या कंटेंट को पढ़ रहे हैं जिसमें पॉइंट्स हैं तो अगर आप उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स को याद रखते हैं तो कॉन्टेंट भी याद आ जाएगा, एंड एग्जाम्स में पॉइंट भूल गए तो कॉन्टेंट कभी भी याद नहीं आएगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको कहा था कि जब आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो आपको पहले पूरा कंटेंट एक बार में समझ लेना चाहिए। अब वीडियो को पॉज करो और याद करो कि उसके आगे मैंने आपको क्या कहा था, आपको याद आ जाएगा। एंड दोस्तों पॉइंट्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कोडिंग करना। इसका एक एग्जांपल है विबग्योर। ये रेनबो के कलर्स को याद करने के लिए होता है। विबग्योर का मतलब होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस फॉर्मूले से आपको सीरियल वाइज रेनबो के कलर्स हमेशा याद रहेंगे। टिप नंबर 4, जब आप पूरे कंटेंट को पढ़ चुके हैं और आपको लगता है कि वो कंटेंट आपको याद हो चुका है तो रिवीजन करने के बजाय उस आंसर को किसी फ्रेंड को समझाएं या फिर ऐसे प्रैक्टिस करें जैसे आप किसी को समझा रहे हैं। इससे आपकी मेमोरी का भी टेस्ट हो जाएगा एंड आपको पता भी चल जाएगा कि आपको सब कुछ याद है या फिर नहीं। और अगर कोई पॉइंट आप भूलते हैं तो जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो उस पॉइंट को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नाउ दोस्तों टिप नंबर 5 में मैं आपको रैपिड फायर में 6 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला है दोस्तों, जब आप पढ़ने जा रहे हो तो समझ कर पढ़ो। अगर आप रट्टा मारोगे तो कभी याद नहीं होगा, याद होगा अगले दिन भूल जाओगे, लेकिन आप समझ लो कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो और वो कंटेंट आपको कहना क्या चाह रहा है। जब आप उस बात को समझ लेंगे और उसके बाद एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप रट्टा मारते रहेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम पर अपने मोबाइल को अपने से बहुत दूर रखो, ऑफ करके कहीं ऐसी जगह पे रखो जिससे वो आपकी नज़रों में ना आए, मतलब आपको दिखाई ना दे पड़ते वक्त, क्योंकि उससे आपका ध्यान फ़ोन की तरफ जाएगा ही जाएगा। ये मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है यार, इसलिए बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, जब आप याद कर रहे होते हैं किसी पॉइंट्स को तो उन पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद करें। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि पॉइंट्स अगर आप भूल जाएंगे तो अंदर का कंटेंट आपको कभी भी याद नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, जब आप याद करते हैं तो साथ साथ चेक भी करते रहा कीजिए कि जो आपने पहले पॉइंट्स पढ़े थे वो आपको याद हैं। अगर आपको याद नहीं होंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इससे आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो पहले चेक भी किया कीजिए जो आपने पढ़ा है वो आपको सही से याद हुआ है या फिर नहीं। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो थोड़ी देर भी पढ़ते हो तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, ध्यान उसी चीज़ में दो। यूँ नहीं कि आप बोलते जा रहे हो और सोच कुछ और रहे हो, तो ध्यान के साथ पढ़ो, समझ कर पढ़ो। सिक्स पॉइंट है दोस्तों, फाइनल पॉइंट, कि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं ना तो उससे पहले गोल सेट कर लिया कीजिए कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आपने 4 पेज सोचे हैं तो फिर आप पूरा 4 पेज पढ़कर ही उठिए, उससे आपकी जो पढ़ाई होगी वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से होगी और आपको हमेशा अच्छे से सब कुछ याद रहेगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।